गुरुग्राम के साउथ सिटी एक में गीता चैरिटेबल फाउंडेशन ने गरीब बच्चों के साथ मिलकर 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम से बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने डांस के साथ साथ देशभक्ति के गीत से कार्यक्रम का समा बांध दिया। वहीं गीता चैरिटेबल की फाउंडर व स्टाफ में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर गीता चैरिटेबल फाउंडेशन की फाउंडर गीता पांडे ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम हर साल किए जाते हैं और अलग अलग तरीकों से हर साल गणतंत्र दिवस का समारोह मनाते हैं और इस तरह गरीब बच्चों की मदद के साथ उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है। पिछले काफी सालों से उत्साह के साथ इसी तरीके से कोई भी त्योहार होता है खुशी के साथ उत्साह के साथ मनाते हैं। कैसे मनाया गया? आज 26 जनवरी का अक्सर कार्यक्रम होता रहता है, पर आज अच्छा बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने अच्छी तैयारियां की है। अभी आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, तो हर साल हम मनाते हैं लेकिन इस बार बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो अभी आप देखिए अच्छा प्रोग्राम है। क्या खास इस बार 26 जनवरी पे बच्चों के साथ आप लोगों ने खास बच्चों का अभी अच्छे अच्छे इनको जो देशभक्ति गीत है बहुत अच्छे तैयारी करवाए गए हैं और ये खास ही करते रहते हैं बच्चे। एक उत्साह होता है बच्चों में कि 26 जनवरी पे वो अपनी प्रस्तुति जो है तैयारी उन्होंने कर रखी है उसको पेश करें। हाँ, बहुत बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है और एक हफ्ते से बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं और सारी ये जो हमारे ग्रुप के सब लोग हैं, रेखा हैं, विनीता जी हैं, सब लोग हैं, जितने लोग हैं, इन लोगों ने बहुत जोरों शोरों से बच्चों की तैयारी करवाई है। वो अभी देखने को मिलेगा कि बच्चे कैसा कर रहे हैं। तो 26 जनवरी का बहुत बहुत पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से 26 जनवरी का शुभकामनाएं और मेरा भारत सदा महान रहे। जय माता।